हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। सो गाइस, आज हमारे पास है 2 बेंटो केक्स जो कि ब्राइड टू बी थीम पर है दोनों बेंटो केक। और 2 अलग जो केक है, एक है 1 kg का मिक्स फ्रूट केक और सेकेंड वन है 1.5 kg का क्रिस क्रॉस केक। ये दोनों केक की थीम है ग्रूम टू बी और जो बेंटो है वो है ब्राइड टू बी केक के। आज के वीडियो में मैं दोनों बेंटो केक और 1 kg मिक्स फ्रूट ग्रूम टू बी वाला वीडियो कवर करने वाली हूँ। जो थर्ड केक है हमारा 1.5 kg का क्रिस क्रॉस केक, काफी ट्रेंडिंग केक है और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, डिमांड थी कि इसका डिटेलिंग वीडियो मैं अपलोड करूं, तो इसीलिए ये वाली वीडियो लंबी नहीं हो जाए, तो इसीलिए मैं क्रिस क्रॉस केक का वीडियो कल के व्लॉग में अपलोड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर जो बेंटो केक है उनके ऑर्डर की डिलीवरी जो है वो जल्दी की है, तो पहले हम अभी बेंटो केक रेडी करेंगे एंड देन रिमेनिंग 2 केक जो है उनकी बेकिंग चल रही है। यहाँ पर जो 2 बेंटो है, एक पाइनएप्पल फ्लेवर में बनने वाला है, एक बटर स्कॉच में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग। यहाँ पर हमारे जो बेंटो केक है वो रेडी हो चुके हैं एंड डिलीवर होने के लिए रेडी है, बस इनको पैक कर देंगे और यहाँ पर हमारे ये बन के रेडी हो चुके हैं। सो बेंटो केक हमारे डिलीवर हो चुके हैं, सब कुछ रेडी होके एंड देन अब हम रिमेनिंग 2 केक जो है उनकी तैयारी करते हैं। एक है 1.5 kg का क्रिस क्रॉस केक जो कि 3 अलग फ्लेवर में होगा एंड दूसरा है 1 kg मिक्स फ्रूट। तो बस जल्दी से लेयरिंग करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं इनकी फ्रॉस्टिंग। सो गाइस, क्रिस क्रॉस केक की फ्रॉस्टिंग डन हो गई है, जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो देख ही लिया होगा। और अगर डिटेलिंग वीडियो देखना है उसका तो आपको कल के ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। आज का जो फाइनल केक है जो कि है 1 kg मिक्स फ्रूट केक, जो केक है वो हम बनाने वाले हैं फॉन्ट लाइन केक जो कि आपने पहले देखा होगा 3 अलग अलग शेड में होने वाला है। तो बस उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग। यहाँ पर फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। फोर्थ लाइन के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं पहले ग्रे शेड। यहाँ पर फॉन्ट लाइन के 2 शेड हो चुके हैं, जो थर्ड शेड है जो कि है ब्लैक, तो उसका मैं फॉन्डेड की स्ट्रिप ऐड करने वाली हूँ, तो वो हम जब फाइनल डेकोरेशन करेंगे तभी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आज के केक कंप्लीट हो रहे हैं, इसको अभी हम मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ एंड देन इसका करेंगे फाइनल डेकोरेशन। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी टेबल एकदम सब कुछ साफ सुथरा था क्योंकि सारे केक की फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी थी एंड उतने में आता है हमारे पास एक और अर्जेंट ऑर्डर जो कि है 1/2 kg पाइनएप्पल फ्लेयर। तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, अभी बजे है 4:16, देखते हैं ये केक कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा बेकिंग आज सुबह की थी तो उसके साथ एक्स्ट्रा बेकिंग करके रखी थी। एक्स्ट्रा बेकिंग रखने का यही एक फायदा होता है कि जब भी इंस्टेंट ऑर्डर आता है, मैं मना किसी को नहीं करती हूँ बट उनको बता देती हूँ कि भाई केक इतना ज्यादा फ्रेश होगा तो अच्छे से इसको पहले ठंडा करना है एंड देन उसके बाद जो भी उसको कट वगैरह करना है करे। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग करना। बहुत
कर रही हूँ वन एम लूजर। सो गाइज आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 4:33 एंड हमने स्टार्ट किया था 4:16 पर और केक हमारा बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोंडेंट डेकोरेशन। फोंट लाइन का जो बॉटम वाला शेड है जो कि ब्लैक शेड है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं फोंडेंट यूज़ करने वाली हूँ। तो ब्लैक फोंडेंट को मैंने एकदम फ्लैट कर लिया है और साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। एंड जो फोंट लाइन वाला केक है उसके ऊपर आने वाली है ये चॉकलेट बॉल्स। तो इन सिलिकॉन मोल्ड से हम बनाने वाले हैं राउंड चॉकलेट बॉल्स, तो वो गोल्डन बॉल्स है। तो बस पहले चॉकलेट बॉल्स बनाएंगे एंड देन उसके ऊपर गोल्डन से कवर अप करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट लाइन वाला केक है पहले हम उसका डेकोरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल लेयर है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये फॉन्डेड। केक के लिए अब यहाँ पर मैं ये जितनी भी बाउंड्री है उन सबको गोल्डन कर रही हूँ। चॉकलेट बॉल्स को गोल्डन करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेटलिक गोल्ड डस्ट। सो गाइस यहाँ पर हमारे आज के सारे ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। टोटल आज हमारे पास 5 केक के ऑर्डर थे, 2 बेंटो थे जो कि सुबह ही डिलीवर हो गए। ये हाफ के जी केक अर्जेंट ऑर्डर आया था जो कि अभी तक लेने नहीं आए, पिछले 3 घंटे हो गए हैं। एंड यहाँ पर 1 के जी मिक्स फ्रूट फ्रंट लाइन थीम पर बेस्ड एंड ये हमारा क्रिस क्रॉस केक। इस केक की बहुत सारे लोगों के डिमांड आई थी कि इसको कैसे बनाना है, डिटेलिंग वीडियो अपलोड कीजिए। सो मैं इसका डिटेलिंग वीडियो कल के ब्लॉग में अपलोड कर दूंगी, वहां पर मैंने इस केक से रिलेटेड सारी डिटेल्स अपलोड की है, काफी ट्रेंडिंग केक है। सो गाइस ये है मेरा आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।